हरे कृष्णा। बृहस्पतिवार की कथा और उसकी पूजा विधि। तो बृहस्पतिवार के दिन, इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है और दिन में एक समय ही भोजन करें और पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए और पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए तो यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तो स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा वहां से खाली हाथ चले गए और कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी रखो, और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को ढेर को एक कोने में रख दिया। पुरुषों को बोला कि हजामत बना लो, बनवा लो, और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा करती रही। अब कुछ सालों के बाद उसके घर में खाने का एक दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया, और अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? तो वह स्त्री कहने लगी, हाथ जोड़कर महात्मा के आगे बैठ गई और बोली, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जो घर है वो पहले जैसा हो जाए, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। तब महात्मा जी बोले कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीपना तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं और भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीप जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रहे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम्।